दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टीम क्लासेस चैनल को और घंटे के निशान को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाया है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो वो टॉपिक भी ज़रूर जाकर पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में से, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। कोलाइडी विलियन क्या है उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगी और साथ में कोलाइडी विलियन के गुणधर्म, ठीक है, सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे बारी बारी से। चलिए सबसे पहले कोलाइडी विलियन की परिभाषा देख लेते हैं कि कोलाइडी विलियन क्या है। ओके, देखिए देखिए दोस्तों, वे विलियन जिनके कण वास्तविक विलियन के कणों से बड़े तथा निलंबन के कणों से छोटे होते हैं कोलाइडी विलियन कहलाते हैं। दोस्तों अगर आपने वास्तविक विलियन वाली वीडियो देखी है और निलंबन वाली वीडियो, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोलाइडी विलियन की परिभाषा में क्या कह रहा है कि वे विलियन, कोलाइडी विलियन वे विलियन होते हैं जिनके कण यानी कोलाइडी विलियन के कण वास्तविक विलियन के कण से तो बड़े होते हैं लेकिन निलंबन के कणों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलियन कहलाते हैं और इनके जो कण हैं इनको कोलाइडी कण कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण है गोद, जिलेटिन आदि का जलीय विलयन, ठीक है। गोद है, जिलेटिन आदि का जलीय विलयन इसका उदाहरण है। अब हम देखेंगे कोलाइडी विलयन के गुणधर्म जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ये विस्मांगी होते हैं। विस्मांगी का मतलब होता है कि किसी चीज में अगर इनको मान लीजिए कोई चीज है उसको पानी में डाल दिया गया तो अच्छी तरह से घुल मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर चीनी को हम पानी में डाल देते हैं तो वो तो अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा, लेकिन विस्मांगी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको किसी चीज़ में डाल दिया जाए तो वो अच्छी तरह से घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है। सेकंड नंबर है, कोलाइडी कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं वो या तो धनावेशित हो सकते हैं अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। अब थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर है कि ये रखने पर स्थिर नहीं रहते। क्या नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते हैं, कौन, कोलाइडी विलियन, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों फोर नंबर है कि इनके कणों का आकार लगभग 10^-7 से 10^-4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हम फाइव नंबर देख लेते हैं जो कि लास्ट है। तो देखिए दोस्तों, फाइव नंबर है कि कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोलाइडी कणों पर किसका प्रभाव नहीं होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कोलाइडी विलियनों के पांच गुणधर्म जो कि मैंने आपको बताया। आप चाहे तो चार गुणधर्म भी याद कर सकते हैं जो आपको इसमें से याद हो जाए, और चाहे तो पाँचों याद कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो दोस्तों कोलाइडी विलियन के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।